लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के बच जाते हैं, यानी 8 लड़के बैठाने पर 6 लड़के बचते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है यदि 10 लड़के बैठा ले जाएं तो 8 लड़के शेष बचते हैं, 10 लड़के बैठा ले जाएं 8 लड़के शेष बचते हैं, दूसरी तरफ यदि 12 लड़के बैठा ले जाएं तो 10 लड़के शेष बचते हैं। ये तो है सवाल। अब कहता है दूसरी तरफ यदि 14 बच्चे अगर उसी कतार में बैठा लिए तो एक भी बच्चा शेष नहीं बचता। तो वैसे भी ये प्रश्न बहुत लेंदी है और इसमें कुछ भी दिया हुआ भी नहीं है, तो इसको हम ट्रिक से चलेंगे। कैसे चलेंगे? ट्रिक से। यहाँ देखिए, इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 2 है। यदि अंतर समान आता है, यदि अंतर समान आता है उस स्थिति में जो दिए हुए नंबर होंगे उनका हम लोग एलसीएम यानी कि ले लेंगे। सीधा सीधा है, 8, 10 और 12 का लासापा कितना आएगा भाई? 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। और 2 2 4, 5 बचा 3, और फिर 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, तो कितना आ जाएगा? ये सीरीज आ जाएगी। एलसीएम तो निकाल ही लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 2 2 4 2 8 3 24 5 120, ये एलसीएम आ गया। अब असलियत में इसका आंसर होगा 120। ये वाला जो 2 डिफरेंस आता है हमेशा, ये इसमें से माइनस होगा, यानी -2 = 118। ये आंसर आएगा, सीधा सीधा सवाल। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, चूंकि 14 लड़के यदि बैठा ले जाते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, और न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम संख्या बताइए, ठीक है। तो न्यूनतम यहाँ ये शब्द ध्यान रखना, अधिकतम में तो बहुत सारे हो सकते हैं। न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, 120 का मल्टीपल करेंगे, 240 आ गया, 240। अब यहाँ पर एक और चेक करेंगे, न्यूनतम संख्या यहाँ 14 से डिवाइड करेंगे, क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, नॉट डिविजिबल, ठीक है। 240 फिर -2 करेंगे कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा। क्या ये 14 से डिविजिबल है? यस, 17 टाइम्स। कितना है? 17 टाइम्स, यानी 14 में यदि 17 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। इट मीन्स देयर आर 238 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लियर है? दिस इज द आंसर, 238 एंड द मिनिमम नंबर, सबसे छोटी संख्या है।